मतलब अज प्रबंधक आए उन्होंने गोलकां गिणियां तो उन्होंने एक पर्ची निकली आ जिहदे विचों मतलब कि 8-10 हज़ार रुपये आ 200-200 के नोट कहिंदे कि वह किसी ने चढ़ाए राजस्थान चो संगत आई ही तो वह 10 हज़ार की गुत्थी जी नोट नहीं निकले। जी चोरी किहड़े गुरद्वारे आई जी? ये वीर जी करमशाह दाता फतेहाबाद तो चोरी हुई है। उन्होंने फिर शक पाया उन्होंने वीडियो खंगाली तो एक शख्स जरा भी गोलकों चो पैसे कढ़ता नज़र आया। ये असं अज जो गोलक पैसे गिन ली गोलक पहुंचे हाँ तो उदों सूँ पता लगे गोलक जो थोड़ा जहा खुला मिले उतों बड़ा जहा शक पाया फिर कुछ पैसों तो शक पे पैसे बड़े घट आ। एक पास जिथे सूबे भर च लोग कुदरती आफत का सामना कर रहे हैं तो दूजे पास कुछ लोग अजे भी ने जो अपन हरकतों तो बाज नहीं आते। सीसीटीवी दी ये तस्वीर तरन तारण के कस्बा फतेहाबाद दी ने जिथे दिन दिहाड़े नौजवान वालों गुरद्वारा साहब के एक होर धार्मिक स्थान को निशाना बनाया गया तो हजारों की चोरी कर लिया गया। इस दौरान नौजवान के कोल कई तेजधार हथियार भी सन। इस संबंधी गुरद्वारा साहब के पाठी सिंह का कहना है कि पिछले दिन ही इतने समागम होया सी जिसके चलद धार्मिक स्थानों दिन गोलकों च माया भी सी जिसकी प्रबंधका वालों जो गिनती की गई तो शक पैण से कैमरे की जाँच की गई जिस एक नौजवान गोलक तो चोरी कर रहा है। हाँ जी बाबा जी की नाम है? लखवीर सिंह जी। हाँ जी बाबा जी इतने कैदी ड्यूटी करते जी? इतने ग्रंथी सिंह जी ड्यूटी है जी पाठ की गलबात हुई बाबा जी इतने जी? इतने जी मेला है 8 तरीक का तो 2-4 दिन पे ने मेले में तो गोलकां नहीं गिणिया सीगियां तो मतलब अज प्रबंधक आए उन्होंने गोलकां गिणियां तो उन्होंने एक पर्ची निकली आ जिहदे विचों मतलब कि 8-10 हज़ार रुपये आ 200-200 के नोट कहिंदे कि वह किसी ने चढ़ाए राजस्थान चो संगत आई ही तो वह 10 हज़ार की गुत्थी जी नोट नहीं निकले। टोटल किन्ने पैसे निकले? मतलब उन्होंने फिर शक पाया उन्होंने वीडियो खंगाली तो एक शख्स जरा भी गोलकों चो पैसे कढ़ता नज़र आया तो वो आधार से फिर उन्होंने पुलिस थाने रिपोर्ट की तो बंदा फड़िया गया जी तो बाकी अगली कार्रवाई हुण तुहानू नहीं पता लगा जी तुसीं चोरी? मैं जी इत्थे बरांडे च रोज़ की तरह मतलब कि निगरानी के तौर पर बैठा ही रोटी रोटी खा के जा 12 बजे आन के बैठे बैठे मेरे नींद आ गई थकावट हुई सी जी पेले च भजना 15 दिन ड्यूटियां भी लाने रहे पाठ च तो जो मेरे घर दे ते बच्चा बाहर आए तो उन्हें वेख्या बूआ खुला वेख्या तो उन्हें मैनू जगाया कि कोई अंदर है अं मुड़ के उधरों आए साढ़े आदमी वो खड़ा होके मत्था टेक के तो मतलब कि जो अं उन्हें पूछा भी कितों आए कहिंदा भी मैं इतों आया जी किले महल्ले तो मैं भी ड्यूटी से चलिया मेरी महाराज सुन ली अरदास मैं मत्था टेकन आया अं प्रसाद देता प्रसाद दे के चले गए सानू कुछ शक नहीं होया ना दे ज्यादा। इस प्रबंधकों का कहना कि जो उन्होंने वालों गोलकों के पैसों की गिनती शुरू की गई तो पैसे घट पाए गए जिस शक पैण से कैमरे की जाँच की गई। उन्होंने दसिया कि दोपहर समय एक नौजवान वालों गोलक तो पैसे चोरी किए गए जिसकी उन्होंने वालों शिकायत करवा दी गई है। हाँ जी की नाम भीर जी? लखविंदर सिंह जी। कौन सा पिंड जी? फतेहाबाद जी। जी चोरी किहड़े गुरुद्वारे आई जी? ये वीर जी करमशाह दाता फतेहाबाद तो चोरी हुई है जी ते कल 1 बजे के करीब चोरी हुई है। ते की चोरी किन्ने पैसे चोरी ते तुहानू कितना पता लगा? ये 25-30 हज़ार रुपए तकरीबन चोरी हुए दोवां गोलकां दे विचों दोवें साइडां तों विच। ये असीं अज जदों गोलक दी पैसे गिन ली गोलक पहुंचे हाँ तो उदों सानू पता लगा गोलक जिहड़ा थोड़ा जिहा खुला मिलिया उतों बड़ा जिहा शक पिया फिर कुछ पैसों तों शक पिया पैसे बड़े घट आ वह फिर अं कैमरे चैक किए अज सारा दिन 2-3 घंटे ला के फिर सानू कल 1 बजे के करीब जो कैमरे तो क्लीयर होया भी वह बंदा जो 1/2 घंटा अंदर वड़िया उन्हें दोवें पासों चोरी की। कितने पैसे चोरी जी? 25-30 हज़ार जरा जी चोरी होया जी कैश। पता लग गया किन्ने चोरी की? हाँ जी पता लग गया जी। इस बाबत पुलिस प्रशासन दस्या? हाँ जी पुलिस प्रशासन असं चौंकी रिपोर्ट दे आए जी 1/2 घंटा हो गया रिपोर्ट दे आए जी। तो की मंग करते? मंग यही है जी चोर नू जल्दी तो जल्दी फड़िया जाए तो गुरु घर का पैसा जोड़ा चोरी किया उन्हें वो गुरु घर में वापस दवाया जाए यही मांग कहीं प्रशासन को पुलिस प्रशासन को कर रहे हैं। उधर पुलिस अधिकारी का कहना है कि उन्होंने वालों मौके पर आके जायजा लिया गया है जिस सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करते जल्द मुलजम को काबू किया जाएगा। हाँ जी की नाम जी? एएसआई उतार सिंह बोलता जी।
ਚੌਂਕੀ ਫਤਿਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਪ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੋਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਰਵੀ ਖਹਿਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੁੱਕ ਚੈਨਲ।